Hey guys, good morning, welcome to new vlogs. तो guys, इस समय मैं हूँ यमुना ब्रिज के नीचे और इधर है यमुना नदी। अभी पानी का स्तर काफी बड़ा था दो चार दिन पहले, लेकिन इस समय कम हो गया है और काफी कम हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ आप सभी को, ये है यमुना ब्रिज और यहाँ पे ये पानी जो है काफी ऊपर तक आ गया था तीन चार दिन पहले, पांच दिन। यहाँ पे आपको कचरा दिख रहा होगा, इतनी सीढ़ियों पर मतलब पानी आ चुका था, लेकिन अभी ये रिटर्न हो गया, काफी कम हो गया है। और इधर साइड में है संगम जहाँ पे गंगा और यमुना जी का पानी मिलता है। और उधर उस साइड है अरैल घाट नैनी, इधर साइड में वो घाट है, चलते हैं उस पर दिखाते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा दिख जाएगा कि पानी कितना आया था और कितना भी कम हो गया है। और इसमें मीटर पैमाने लगे हैं, मतलब लिखे गए हैं, तो उसमें भी शायद दिख जाए। पास से चलता हूँ और दिखाता हूँ। इधर से जाने का रास्ता था जहाँ अभी हम गए थे सीढ़ी से, ये सीढ़ियाँ उधर साइड में हम लोग गए थे। और ये वाली सीढ़ी जाती है ब्रिज के ऊपर, जो नई पुल है उसके ब्रिज के ऊपर। तो इस समय मैं आ चुका हूँ शिवाला घाट पर, जो कि इधर नैनी ब्रिज और ये ओल्ड ब्रिज के दोनों के बीच में पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी काफी ऊपर तक आ चुका था, लेकिन अभी रिटर्न हो गया है। जब पानी ऊपर आया था तो ये सब डूबा हुआ था, यहाँ तक पानी आ चुका था। इधर मैं दिखाता हूँ, सीढ़ियों तक पानी आ चुका था। अभी यहाँ की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है पानी काफी ऊपर तक आया हुआ था। और ये मिट्टी इतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं थी पहले। अभी चलता हूँ आगे और यहाँ पे लिखा है काली माँ का घाट, इसको काली माँ का घाट भी बोलते हैं और शिवाला घाट भी बोलते हैं। यहाँ तक पानी आया था एकदम। अभी तो काफी दूर हो चुका है। पूरी ताकत झोंक दी है इस शॉट में बल्लेबाज ने, मिले पूरे 6 रन। गेंद गई ऊपर, फील्डर नीचे और आसान सा ये कैच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।